एथिक्स क्या रोल प्ले करती है एक इंडिविजुअल के लाइफ में और एज अ सोसाइटी, लाइक जो हमारी मॉरल वैल्यूज हैं, लाइक हमारी सोसाइटी में एक लाइक एक सब कल्चर ऑफ करप्शन भी बन गया है कि अरे वो भी तो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। ये एक चीज तो आप ना, मैंने अपने जितना भी सीखा है इतने में, जैसे ही मुझे ये चीज समझ में आई ना, ये जो हम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बोलते हैं, ये इतना कॉमन हो गया, हर कोई बोल रहा है तो बड़ा वैसे ही लगता है, लेकिन सच में इसको समझ कर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, 100% तो कोई नहीं हो रहा है, अगर सच में इंप्लीमेंट कर दिया ना आपने तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये चीज मैंने फील किया। अब गलत सारे लोग कर रहे हैं और इतना नॉर्मल हो गया इस वजह से कुछ ऐसा लगता है कि ये भी सही है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऑनेस्टी आप इतनी बड़ी चीज है कि आपकी जिंदगी पूरी चेंज हो सकती है। लोगों को लगता है कि हम झूठ बोल देंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। आपके अगर 10 दोस्त हैं, ठीक है, उन 10 के 10 से पूछा जाएगा यार हमारे ग्रुप में झूठ, आप जाइए सबसे देखना, सब एक ही का नाम लेगा वही बंदा होगा। हमें लगता है कि हमें नहीं पता चलता, लेकिन लोगों को सब पता रहता है। ये कर रहा हूँ ना, उसके पीछे मकसद यही है कि एक अभी आपने जो बात करी ना, ऑनेस्टी, एथिक्स, इंटीग्रिटी, अरे बात करने से क्या, स्कूल में एक सब्जेक्ट है पूरा का पूरा मॉरल साइंस, उसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, घर में भी बातें हो रही है, इधर बातें हो रही है, बातों से क्या होता है, यू हैव टू लिव दैट, एंड इन ऑर्डर टू लिव दैट यू नीड टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग, यू हैव टू टेक अ स्टैंड, क्लियरली से नो टू एवरीथिंग। आसान हो जाती है चीजें। सिमिलरली यहाँ पे भी है, जब आप ऑनेस्टी का रास्ता पकड़ते हो, मैंने उतना नहीं कर पाता हूँ मैं जितना, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि यहाँ तक जितना क्लोज आ सको उतना क्लोज आ सको, तो जब वो रास्ता पकड़ते हो तो चीज़ें बहुत आसान भी हो जाती है। जैसे कहते नहीं कि जब हर जगह शांति रहती है तो छोटी सी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जैसे रात में अगर हम घड़ी देखेंगे तो दिन में उसकी आवाज़ नहीं आती, लेकिन रात में जब शांति रहती है तो उसकी सुई की आवाज़ भी सुनने लगती है। तो ऐसे ही जब छोटी सी चीज़, यहाँ पे जब इतना बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, हम लोग छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लेके वीडियो बना देते हैं प्रिंट मीडिया में, कि मानना ही नहीं है किसी बात को। सिंपल सी चीज है, आपको खुद वेरीफाई करना है, जो सोर्स है वो कैसा है वो देखना है, आपको किसी भी चीज पे मानना नहीं है। वीडियो किसी ने दिखा दी, व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ गया कोई, आप मान लोगे तो फिर तो गलती है। इसका यही एक सोल्यूशन है, कोई भी अगर कुछ मान नहीं लेना, उसके पीछे देखना भाई क्या क्या हो सकता है, अपना लॉजिक भी लगाना है, फिर उसके बाद आप किसी रिजल्ट पे आओ। डोंट बिलीव एनीथिंग। बिलीव का मतलब यही है कि मुझे नहीं पता लेकिन मैं मान गया, तो मान क्यों रहे हो जब नहीं पता है, वो तो ना मुझे नहीं पता, व्हाई डोंट यू से कि मुझे नहीं पता, क्योंकि दैट ओपन्स द डोर फॉर करेक्ट नॉलेज फ्रॉम करेक्ट सोर्स, रिलायबल सोर्स, और चाहे जितना भी रिलायबल सोर्स हो, 100% एक्यूरेसी तो कहीं पर भी नहीं होती, ह्यूमन एरर होने की पॉसिबिलिटी तो वहां पर भी रहती है। जिसने भी जो भी बुक लिखी है वहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है, क्योंकि उसकी भी कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन तो आ ही रही है ना, उसने भी कहीं ना कहीं से देख के लिखी है, तो मानना क्यों है? You must always look at things with a pinch of salt. तो आपका क्या ओपिनियन है कि we should shift to ballot paper or EVM is good? Like, what is your opinion? What is ballot paper? Distributed to electors by post for voting. What is EVM? Electronic voting. ये जो क्वेश्चन आपका है, ये कई बार मुझसे पूछा गया था और इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, और एक्चुअल में ईवीएम मशीन हैक नहीं हो सकती। बहुत लोग डिसएग्री करते हैं इस पर, बहुत वो करते हैं, लेकिन उसका जो पूरा प्रोसेस फॉलो होता है वो हैक नहीं हो सकता। स्टेप इतने सारे इन्वॉल्व है उसमें कि वो नहीं हैक हो सकता, जितने जो मेरे को ऐसा लगता है जो मैंने रिसर्च करके देखा। बिजी लैंप स्टार्ट्स ग्लोइंग, द वोटर गोज इनसाइड द पोलिंग एनक्लोजर एंड मेक्स हिज सिलेक्शन, ही मेक्स हिज सिलेक्शन एंड पुशेस द बटन। A shrill sound follows, showing that his vote is registered. During the polls, subscribe. Thanks for watching.